हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नयन सिंह, मैनुअल कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम फ्रॉम बरेली बाबा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर, मेरा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और ये टाके कितने दिन बाद कटेंगे, यानी कोई फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर के बाद जो सूचरिंग करी आती है, स्टेचेस लगाए जाते हैं, तो वो कितने दिन बाद कटेंगे। तो उनको मैं आपको बताता हूँ सही समय क्या होता है। कुछ लोग डाउट रहते हैं कि मैंने डॉक्टर से पूछने का समय नहीं रहा, या मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैं भूल गया या क्या बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही समय क्या होता है। अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है और आपको उसका जानकारी लेनी है, आप सोच रहे हैं कि मतलब मेरा टाके जो है कैमे दिन कट जाएंगे, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल ठीक है, आप सही जगह पे आए हैं। तो सही समय क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको लगता है, यहाँ पर क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी मिलता है। तो देखिएगा, जो भी हमारे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन वो जो वहां पर उन्होंने काटा पीटी करी होती है, उसको जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है वहां पर सूचरिंग करते हैं, तो वो सिलाई इसीलिए करते हैं और वहां पर वो स्ट्रेचेस लगा देते हैं टाके। तो वो इसीलिए लगाते हैं कि मतलब वो हील हो जाए जगह। और उसका सही समय क्या होता है काटने का, वो मैं आपको बताता हूँ। 10 से 15 दिन जो है नॉर्मली जो है टाइम होता है, लेकिन उससे पहले अगर ना कटवाए तो बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हमारे डॉक्टर को, आपको अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि ये टाकों का समय हो गया कटने का, और आपको 15 दिन हो उससे पहले या 10 दिन से पहले, तो किसी भी मतलब कभी कभी ये काट सकते हैं, लेकिन आपको सही समय वैसे 10 से ऊपर के ही दिन होता है, 10 से 15 दिन के बीच में। ऊपर अगर थोड़ा और चले आते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जितना आएंगे तो उतने टाके जो है पकने लगते हैं। कच्चे टाके कटवाने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, कभी कभी पेन भी हो जाता है, लेकिन पक्के टाके कटवाएं और उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है तो, और आपको लगता है कि टाके में किसी भी तरह की मतलब यानी कोई पस आ रहा है या कोई वहां पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, किसी भी तरह की वहां पर इचिंग वगैरह हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने टाकों को ड्राई रखें, थोड़ा शुष्क रखें और पानी से बचाएं। ये सावधानियां भी आपको रखनी है, क्योंकि लोग बहुत कभी कभी ख्याल नहीं रखते और वहां इन्फेक्शन हो जाता है। और वहां पर गंदी संदी चीजों का उपयोग ना करें, अपने हाथ को नहाते समय धोते समय अपने हाथ हाथ में है तो हाथ को ऊपर कर लें, लेग में है तो कुछ पन्नी वगैरह है किसी भी तरह का आप उसको ढक लें, उसको बचाकर आप मतलब नहाएं। और उस जगह को आप जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिए हैं उससे आप साफ कर सकते हैं, डिटॉल सेवलॉन ये सबसे आप साफ कर सकते हैं। तो ये सब करना आपको, ये सही समय होता है 10 से 15 दिन के बीच में। आप 12वें दिन 13वें दिन आप अपने टाकों को कटवा सकते हैं, डॉक्टर आपको सही समय देख के आपको राय दे देंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आप सभी लोगों के डाउट जो है टाकों से जुड़े कर दिए होंगे कि आपको कब टाके कटवाने चाहिए फ्रैक्चर के बाद और आपको कौन सा दिन बेस्ट रहेगा। तो ये सब मैंने आपके लिए बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना रखिए ख्याल।